बाकी इसका काक फायदा नहीं है। जैस का इसकी जो पैकिंग है ब्लैक में काफी अच्छी लगी है इसको। लेट्स ओपन। ये मैंने अपने लिए नहीं मंगवाया क्योंकि मुझे पता था कि इसने ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस नहीं करनी। यहाँ पर हमारे फ्रंट पे हमारे यहाँ पर नाम दिया गया है। एटीएम विड्रॉल है क्रॉस 16,000 एटीएम नेशनल वाइड, मतलब पाकिस्तान के अंदर 16,000 एटीएम से आप पैसे निकलवा सकते हैं। बहुत अच्छी बात है एड्स वगैरह रन करने के लिए, क्योंकि डिजिटल मार्केटर जो है वो ज्यादा ये यूज करते हैं। इसके अलावा मास्टर कार्ड की खासियत कुछ है ही नहीं भाई। तो इस मास्टर कार्ड का हमने क्या क्या बनाना है, मतलब कि कचूमर बनाना है या इसको हमने क्या करने का। उम्मीद आप सब कैसे होंगे, हम आबाद हैं और आज की वीडियो भी पिछली वीडियो की तरह इंटरेस्टिंग वीडियो है। तो जैसे कि आपको पता है कि मास्टर कार्ड वीज़ा कार्ड जो आपकी ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस करते हो, ऑनलाइन पेमेंट्स लाइक गूगल पे ऐड चला रहे हो आप, ई कॉमर्स में कोई चीज़ कुछ सॉफ्टवेयर परचेज कर रहे हो, ई कॉमर्स में आप शॉपिंग कर रहे हो चाहे अलीबाबा अली एक्सप्रेस या फिर ऑनलाइन इस तरह की पेमेंट्स हो जहाँ पे आपको आपका बैंकिंग कार्ड एक्सेस ना दे रहा हो, तो वो सब जो मैं इससे पहले वाली वीडियो में बता चुका हूँ सादा पे वाली वो भी बता चुका हूँ, और आज भी एक किसी टाइप की वीडियो लेके हूँ पाकिस्तान में आप किस तरह से किस टाइप का आप कार्ड एक्सेस ले सकते हैं जो कि बैंकिंग के भी बगैर हो और आपके मोबाइल अकाउंट पे बना हो, और किस तरह का कार्ड आपको नहीं लेना। तो आज ये वीडियो भी इसीलिए है क्योंकि कुछ ऐसे कार्ड भी हमारे यहाँ पे मौजूद हैं जो कि आपको पता नहीं होता, आप मंगवा लेते हैं, बाद में आपको पता चलता है यार ये तो ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स के लिए नहीं, जस्ट पाकिस्तान में रह के आप कुछ ही वेबसाइट पे शॉपिंग कर सकते हैं एंड कुछ वेबसाइट्स पे आप कुछ परचेज कर ले तो वो अलग बात है, और जो बाकी वेबसाइट ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स करनी हो जिस तरह की टेक्नोलॉजी आजकल जा रही है तो ई कॉमर्स पे आप जाके शॉपिंग कर रहे होते हैं चाहे सॉफ्टवेयर परचेज कर रहे हैं, तो कुछ हिस्सा का जो सिनेरियो आज का चल रहा है तो आपको इस तरह का कार्ड चाहिए और बैंकिंग के बगैर भी चाहिए, क्योंकि यार स्टूडेंट बंदे हैं मुझे पता है ज़्यादातर स्टूडेंट्स ही देखे होते हैं वो सिर्फ जो अपने पैसे हैं बैंकिंग पे भी ज़ाया कर लेते हैं और उनका बैंक अकाउंट जो है उनको जलील करता रहता है बाद में, क्योंकि इनको जो कार्ड होता है ना वो काम नहीं कर रहा, तो बार बार कॉल करके कॉल सेंटर पे भाई ये कर दें वो कर दें। मज़े की बात है उन कॉल सेंटर वालों को भी कख पता नहीं होता यार, जितना बैलेंस मैंने इन कॉल सेंटर वालों पे लगाया स्पेशली मास्टर कार्ड के लिए सॉरी वीज़ा कार्ड के लिए, तब मास्टर कार्ड वो लोग दे ही नहीं रहे थे, तो जितना मैंने इन पर इन्वेस्ट किया है ना यार सोचा आपकी, और मेरा काम भी नहीं है स्पेशली MCB लाइट के लिए जो मैंने जितना बैलेंस लगाया है। आज भी मेरे पास वो कार्ड पड़ा है अभी भी मेरे पास, वो आपको दिखाता भी हूँ, और लेकिन उसका अभी तक मुझे फ़ायदा कोई नहीं क्योंकि वो ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स तो करता नहीं है, जस्ट आप पाकिस्तान में रह के दराज पे शॉपिंग कर लो या कुछ कर लो, बाकी इसका कख फ़ायदा नहीं है। बस ले लिया था मैंने, इतना खवार किया उन्होंने MCB वालों ने, अल्लाह ने पूछे कितना उन्होंने मुझे जलील किया इस कार्ड के पीछे, तकरीबन 2 महीने उन्होंने मुझे पेंडिंग पे बैठाया रखा, पहले तो कार्ड ही नहीं मिला था, जब कार्ड मिला उसके बाद यार लंबी स्टोरी अगर मैं बताने यहाँ पर लग गया तो हमारी आज की वीडियो रह जानी है, तो नेक्स्ट कभी किसी वीडियो में आपको ये सब किस्सा सुनाऊँगा। तो अभी हम लोग अपने प्रोडक्ट की तरफ जाते हैं जो कि अभी जैस कैश का मास्टर कार्ड है। तो इनकी पैकिंग की अगर बात करूं तो यार पैकिंग काफ़ी अच्छी है, पीछे मेरा एड्रेस दिया हुआ है, आगे जैस कैश की, अगर इजी पैसा का आप कार्ड मंगवाते हैं तो एनवेलप में आ रहा है, एनवेलप में आता है जैसा कि बाकी डेबिट कार्ड मास्टर कार्ड या फिर आप ATM कार्ड लेते हैं वैसे आ रहे होते हैं। अभी ये जैस कैश का भाग रहे हैं, जैस कैश की जो पैकिंग है ब्लैक में काफ़ी अच्छी लगी है इसको। लेट्स ओपन करते हैं, काफी स्ट्रॉन्ग था यार। तो ओपन करने के बाद एक और एनवेलप है इसके अंदर, एनवेलप के अंदर एनवेलप काफी अच्छा, मतलब यहाँ पे मुझे लगा यार एक और एनवेलप है, ये भी सील है तो इसको भी यहाँ से हम ओपन कर ले। तो यहाँ पर लिखा हुआ है जी टेयर फ्रॉम हेयर, भाई ये जो डेबिट कार्ड और मास्टर कार्ड और ये सब कुछ चीज़ें मंगवा रहा हूँ मुझे चाहिए नहीं है, ठीक है, ये मैंने अपने लिए नहीं मंगवाया क्योंकि मुझे पता था कि इसने ऑनलाइन ट्रांजेक्शन नहीं करनी, आगे जाके डिटेल बताता हूँ क्यों नहीं करनी कैसे नहीं करनी सब बताता हूँ, ये जस्ट आपको बताने के लिए मैंने ये ऑर्डर किया है, और जस्ट आपको बताने के लिए मैंने ऑर्डर किया है, बाकी मेरा इसमें कोई लेना देना नहीं है। मेरे पास ऑलरेडी 3 कार्ड हैं, बैंकिंग के भी हैं और सादा पे का ऑलरेडी है, नया पे का भी है, तो मुझे नहीं चाहिए होता। तो यहाँ पर इम्पोर्टेड नोट वगैरह लिखा है कि डियर कस्टमर दिस इज सिलेक्टेड सील्ड एनवेलप, सॉरी नॉट सिलेक्टेड, यार आजकल सिलेक्टेड आपको पता है क्यों मुँह पे आ रहा है, सील्ड एनवेलप एंड मस्ट ओनली बी ओपन बाई द कस्टमर, प्लीज डू नॉट एक्सेप्ट इफ सील इज ब्रोकन, ये वाली सील इज ब्रोकन या ये वाली। तो यहाँ पर जैसा कुछ कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया तो हम यहाँ से इसको ओपन करते हैं।
यहाँ पे सील वगैरह ओपन किए तो इसको निकालते हैं कार्ड के अंदर एम्प्टी। एंड एक और यहाँ पे हमें जैस कैश का एक चीज़ दी जाती है जो कि पूरा प्रॉपर इनके यार क्या कहते हैं, ब्रोशर कहेंगे या कुछ कहेंगे इस टाइप का था। कि मेरा मास्टर कार्ड निकला यहाँ पे बेसिकली था ऐसा इन्होंने बनाया कि जो यहाँ पर फिर तो आ नहीं रहा। ओवरऑल जो इस कार्ड की पैकिंग है ना यार, पैकिंग से तो काफ़ी मुतासर हूँ मैं, पैकिंग के लिहाज से A1 है यार। इसमें कोई शक नहीं है कि पैकिंग इसकी A1 है। तो यहाँ पर मास्टर कार्ड हमारा जिस पे हमने बात करनी है, तो यहाँ पर हमारे फ्रंट पे हमारे यहाँ पर नाम दिया गया है एंड मुझे अपना जो कोड है वो छुपाना भी है आप लोगों से, नाम दिया गया। और बैक हैंड पे जो हमारा यहाँ पर ये नंबर यहाँ पर जहाँ पर मैंने ये अंगूठा रखा है यहाँ पर मेरा नंबर आ रहा है, ऊपर CVC आ रहा है तो मैं आपको दिखाऊँगा नहीं। ये हमारा डेबिट मास्टर कार्ड है। पिछली वीडियो में मैं बार बार डेबिट करूँ तो ये हमारा मास्टर कार्ड है, ठीक है। ये मास्टर कार्ड हमारा आ गया। अब इसका आपने करना क्या है, क्योंकि ये जो कार्ड है अब ये तो आपका चलना है नहीं है ऑनलाइन, तो यहाँ पर इनकी कुछ डेबिट कार्ड के फीचर्स भी हम यहाँ पर रीड आउट कर लेते हैं कि इनके फीचर्स क्या हैं। तो ATM विड्रॉल है अक्रॉस 16,000 ATM नेशनल वाइड, मतलब पाकिस्तान के अंदर 16,000 ATM से आप पैसे निकलवा सकते हैं, बहुत अच्छी बात है। उसके बाद मर्चेंट पेमेंट एट ओवर 67,000 मर्चेंडाइज, मतलब के कहीं भी जाके आप वो कार्ड रगड़ेंगे एंड आपकी जो पेमेंट है वो हो जाएगी। उसके बाद सिक्योर ई कॉमर्स ट्रांजेक्शंस, यहाँ पे मैं मेंशन करना चाहता हूँ ये चीज़ कि सिक्योर ई कॉमर्स ट्रांजेक्शन से मतलब इनका चंद एक वेबसाइट्स हैं, ज़्यादा से ज़्यादा अली एक्सप्रेस पे चल सकता है, ये अली बाबा पे चल सकता है, लज़ादा पे चल सकता है, उसके अलावा दराज पे चल सकता है, या दराज के अंदर जितने भी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स हैं वहाँ पर चल सकता है। अब बाकी ऑनलाइन पेमेंट्स के लिए अगर आप सोच रहे हैं या फिर आपने एड्स वगैरह रन करने के लिए, क्योंकि डिजिटल मार्केटर जो हैं वो ज़्यादा ये यूज़ करते हैं, तो भाई उनके लिए नहीं है बिल्कुल भी ये। मैं मंगवा चुका हूँ, मैं टेस्ट आउट कर भी चुका हूँ और मैं जैज़ वालों से पर्सनली खुद पूछ चुका हूँ, क्योंकि जैस कैश का मेरा रिटेल अकाउंट भी है, तो वो जो बंदा है उससे मैंने तफसील से पूछा कि भाई जैस कैश का डेबिट कार्ड है, इसका फंक्शंस तो बताओ मुझे। तो उसने मुझे इन डेप्थ सब कुछ बताया था कि ये इस चीज़ के लिए यूज़ किया जाता है, और जो यहाँ पर उन्होंने यहाँ पर डेबिट कार्ड की मैंशन भी की हुई हैं। तो उसके अलावा यहाँ पर कॉन्टैक्ट लेस पेमेंट्स, तो कॉन्टैक्ट लेस पेमेंट मतलब कि सिंपली इसको जाके वहाँ पर लगा दो तो आपकी पेमेंट हो जाएगी। मोर कंट्रोल ओवर कार्ड मैनेजमेंट थ्रू ऐप एंड USSD डायल *786# हैश, इससे तो आप कुछ भी कर सकते हैं। जिस चीज़ के लिए मास्टर कार्ड हमें चाहिए उस चीज़ को ये रिप्रेजेंट नहीं करता, तो दैट्स वाई हमें इस मास्टर कार्ड की ज़रूरत क्या है भाई, ये ऊपर मास्टर कार्ड है बस, मास्टर का ये लोगो बना हुआ है, इसके अलावा मास्टर कार्ड की खासियत कुछ है ही नहीं भाई। तो इस मास्टर कार्ड का हमने क्या बनाना है, मतलब कि कचूमर बनाना है या इसको हमने क्या करना है, घर रख के पैसा का जो हमारे पास पेपा कार्ड है या फिर जो भी आपके पास है वो और ये मास्टर कार्ड बिल्कुल एग्जैक्टली सेम है, ज़्यादा इनमें कोई फंक्शन वगैरह नहीं है। अक्रॉस पाकिस्तान चल सकते हैं लेकिन आई थिंक सो ये बायर नहीं चल सकते, तो इनका फ़ायदा कख नहीं है। जस्ट ये लोग 700 रुपये में मेरे ख्याल से मुझे यहाँ पर पड़ा है, 600 to 500 से 700 तक है मुझे पड़ा, मुझे याद नहीं है कि कितने का, बट इतनी पेमेंट इसकी है। अगर आपको अपने ऑनलाइन ट्रांजेक्शन के लिए या इस चीज़ के लिए चाहिए, स्पेशली गूगल एड्स या फिर ऑनलाइन पेमेंट्स आपने कहीं करनी हो किसी वेबसाइट पर, तो इसके लिए ये कार्ड बिल्कुल भी नहीं बना, ना फिर जैस कैश बनाए, ना ही ईजी पैसा बनाए, और ना ही ईजी पैसा का जो आपको कार्ड देते हैं वो बने ATM, वो जस्ट फजूल है, फारग है। अब जैस कैश की मैं बुराइयां करने लगूँ तो उसकी काफ़ी ज़्यादा बुराइयां निकल आएगी, तो दैट्स वाई यार ज़्यादा चीज़ों पे जाते नहीं है। आपको ही पता है कि जैस कैश का आजकल जो है बेड़ा गर्क हुआ हुआ है, इवन के जैस लोड जो जैस की सिम है उसका बेड़ा गर्क किया हुआ है इन्होंने। आप पैकेज करेंगे तो पैकेज का कभी लोड चला जाएगा, लोड करेंगे लोड की जगह पैकेज हो जाएगा, अजीब ही ड्रामे लगे हुए हैं जैस वालों के। अल्लाह इनको हदायत दे, इन पे पीछे जो आपको पता है कि यार इन पे फाइन भी हुआ था तो उसका ये बदले शायद आवाम से ले रहे हैं, ये पता नहीं क्या कर रहे हैं। जो इन पे फाइन हुआ ना बहुत अच्छा हुआ है और ज़बरदस्त किस्म का इनका फाइन हुआ है। मेरी जैस कैश से या जैस से कोई पर्सनली दुश्मन नहीं है यार, बस इतना है कि जो ये बताते हैं ना वो इनमें चीज़ होती नहीं है। अब जैसे मास्टर कार्ड, मैंने सोचा था यार मास्टर कार्ड आ रहा है जैस कैश का, वाह 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 क्या बात है,
तो पेपाल का कार्ड भी था और मास्टर कार्ड भी था। मैंने मास्टर कार्ड ऑर्डर कर दिया, ठीक है। एक तो मुझे चाहिए नहीं था, मैंने इस पर वीडियो बना ली थी और आपको बताना भी था कि यार इस मास्टर कार्ड का तो आखिर फंक्शन क्या है, जो कि मास्टर कार्ड बड़ा चाहे जा रहा है तो इसका कक फंक्शन नहीं है, कक इसका कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आपके पास इजी पैसा कार्ड है उसका इसका सेम फंक्शन है, पाकिस्तान में रह के आप कुछ भी उससे भी कर सकते हैं, इससे भी कर सकते हैं। तो यार जस्ट मास्टर कार्ड का एक लोगो उन्होंने यहाँ पे ठोपा हुआ है, बाकी इसका कोई फंक्शन ज़्यादा नहीं है। तो इजी पैसा के ई पे पाक से आप कर सकते हैं, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन कर सकते हैं पाकिस्तान में। ऑनलाइन ट्रांजेक्शन से मतलब ई कॉमर्स पे आप शॉपिंग कर सकते हैं, बाकी इसका कोई फंक्शन भी नहीं है। तो होप सो आपको ये वीडियो समझ आ गई होगी और आपको मैं वो चीज़ बताने में कामयाब रहा हूँगा जो कि आप देखना चाह रहे होंगे, जिसकी वजह से मैंने अपना रोकड़ा जो है वो ज़ाया किया है, ज़ाया ही किया, क्योंकि यार इसका यूज़ तो है नहीं है, बस पर्स में वॉलेट में जो है एक निशानी के तौर पे इसे लगा दूंगा। ये भी मेरा कार्ड हुआ करता था, बाय द वे मुझे कार्ड जमा करने की बड़ी शौक है, तो चलो उसीलिए मैंने एक कार्ड भी ऑर्डर कर दिया। बाकी इसका फंक्शन कोई भी नहीं है, ना इसको कभी मैंने लाइफ में यूज़ करना है, अलग ही इनको हदायत दे। बाय द वे ये स्कैम है, इन लोगों का स्कैम ही बोलूँगा, क्योंकि मास्टर कार्ड अगर ये दे रहे तो इन्हें फुल फीचर्स देने चाहिए, ना कि मास्टर कार्ड का यहाँ पर लोगो ठोकना चाहिए और हमें चूना लगाना चाहिए। तो होप्स आपको वीडियो ज़रूर पसंद आएगी, बार बार मैं ये बोलता हूँ। तो अब वीडियो को हम लोग एंड अप करते हैं, तो जिसके लिए आप आए थे होप्स आपको वो चीज़ मिली है। तो अब आगे जाके भी मैं कुछ हिस्सा की वीडियोस बनाऊंगा और बताता रहूंगा आपको जो जो चीज़ आपको चाहिए होगी। भाई मेहनत करता हूँ, कुछ ना कुछ लाइक ठोक ही दो यार, जिंदगी में पहली बार मतलब मेरी 100 वीडियोज़ होने वाली है, तो 100 वीडियोज़ में कोई 5वीं वीडियो में आई थिंक सो मैं आपको लाइक करने का बोलूँ, सब्सक्राइब का बोलूँ। भाई मेरी प्रीवियस वीडियो आप देख लें, कभी मैंने आपको लाइक या सब्सक्राइब का कभी भी नहीं बोला। तो यहाँ तक पहुँचते ही बहुत कम लोग हैं, जो पहुँच रहे हैं यार ठोक देना लाइक का सब्सक्राइब का बटन। तो ये हमारी आज की वीडियो थी, तो होप्स आपको वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। तो खुश रहिए, आप बात रहिए मुझे भी अपनी दुआ में याद रखिए। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।